नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आईआर शो में। तो दोस्तों, हमारे देश के जो नए एयर चीफ मार्शल हुए हैं वो वीआर चौधरी जी हुए हैं, जिनकी इस समय फ़ोटो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उनसे जो है आने वाले जो भी एक्विजिशन प्लान है, ख़ासतौर से जो एयरक्राफ्ट के जो एक्विजिशंस किए जाने हैं उसको लेकर डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए, और उस प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने बहुत से क्वेश्चनों के जवाब दिए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि न्यू AIF चीफ लुक्स बियॉन्ड 36 एडिशनल राइफल जेट्स वांट्स 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। तो दोस्तों, दरअसल बात यह है कि आपको मालूम होगा कि भारत सरकार की एक MMRCA करके एक डील थी, जिसमें वो 114 जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट जो है वो ख़रीदना चाहते थे, ताकि वो अपनी जो एयरक्राफ्ट की जो स्क्वाड्रन है उसको कंप्लीट कर सकें। लेकिन वो डील हो नहीं पाई थी। हालांकि अब उसको नए सिरे से MRFA करके जारी किया गया है, और 114 जो एयरक्राफ्ट हैं उनको जो है भारत स्टील ख़रीदना चाहता है। और यहाँ पे इन्होंने जो है एयर चीफ मार्शल ने इसी चीज़ को लेके काफ़ी क्लैरिटी दी जब उनसे इस पर जो है क्वेश्चन पूछा गया। तो उन्होंने साथ ही साथ यहाँ पर यह भी जोर दिया कि जो हमारी जो MFRDA है उसमें हम लोग ज़्यादातर जो है वो राफेल के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहते। ज़्यादा जोर जो है हमारा कहीं ना कहीं जो F-35 जो एयरक्राफ्ट हैं USA के, उसके ऊपर है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपना एक पर्सनल व्यू बताया कि उनके हिसाब से जो ज़्यादा व्यू जो है, जो ज़्यादा फोकस जो है, वो उनका F-35 एयरक्राफ्ट की तरफ है। और इसके लिए उन्होंने आगे रीज़न भी गिनाए। लेकिन जब उनसे इसी क्वेश्चन के बाद में जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि देखिए, रशिया का S-400 सिस्टम भी आप लेने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है कि S-400 सिस्टम देने के बाद जो है अमेरिका जो है F-35 आपको एयरक्राफ्ट ख़रीदने देगा? क्योंकि दोस्तों देखिए, अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहता कि जो रशिया का S-400 डिफेंस सिस्टम है वो कभी भी किसी भी तरीके के कॉन्टैक्ट में आए F-35 एयरक्राफ्ट के, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी सिमिलरिटी, चाहे कोई भी एक डिसफंक्शनैलिटी को रशिया कभी भी चेक ना कर पाए। तो इसीलिए वो बचता है इस चीज़ से कि जो रशिया की जो टेक्नोलॉजी है और जो USA की जो टेक्नोलॉजी है उनका सामना एक दूसरे से कभी हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा पहले भी हो चुका है। जैसे आपको मालूम होगा कि इस समय भारत के अगर हथियारों की बात की जाए तो अराउंड 60% जो हथियार हैं वो रशिया के ही होते हैं। लेकिन दोस्तों, बावजूद इसके रशिया के हेलीकॉप्टर भी भारत के पास हैं, और साथ ही साथ आपको मालूम होगा कि अभी कुछ ही समय पहले रोमियो हेलीकॉप्टर जो है वो भारत को प्रदान किए USA ने, जो कि काफ़ी अच्छे हेलीकॉप्टर हैं। और उनको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे F-35 की एक हैसियत मानी जाती है, जो आज की जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है उनमें, वही सेम हैसियत जो है वो रोमियो हेलीकॉप्टर की है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका नहीं दे सकता। हाँ, ये बात अलग है कि भारत को अलग तरीके से अमेरिका को मनाना होगा। और यहाँ एयर चीफ मार्शल का यही कहना था कि हम जो है वो इस साल के अंत तक हमें जो पहला बैच है वो S-400 का मिल जाएगा, और अगले साल जो है हम स्टार्टिंग का जो फर्स्ट हाफ है उसमें जो है हम कहीं ना कहीं USA को इस चीज़ के लिए राज़ी कर पाएंगे कि वो हमें जो है F-35 एयरक्राफ्ट प्रदान करें। और दोस्तों, इसके बाद एयर चीफ मार्शल ने ये कहा कि ऐसा भी नहीं है कि उनको राफेल को जो है वो रोल आउट कर रहे हैं या उसको इस रेस से बाहर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि देखिए, हम लोग हैप्पी हैं जो इसी परफॉर्मेंस है राफेल की, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि मेन कंटेंडर जो है MRFA में वही है या वो नहीं है। क्योंकि दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 4 स्क्वाड्रन है भारतीय वायुसेना की, वो जो है रिटायर होने वाली, जिसमें आपका MiG-21 बाइसन है, जगुआर डीप पेनिट्रेशन एयरक्राफ्ट है, Mirage 2000 है, MiG-29 है। तो इन सब के रिटायर होने के बाद जो हमें ज़रूरत है वो कम से कम 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, जो हमें अगले दशक में चाहिए होगी चाइना और पाकिस्तान दोनों को टैकल करने के लिए। लेकिन हमारे पास अभी भी 32 हैं, जिसमें से भी 4 और जो हैं वो रिटायर होने वाले हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो अगर हम भले ही जो हम तेजस के विमान ख़रीद रहे हैं और भले ही जो हमने राफेल के विमान जो ख़रीद लिए, उनके बावजूद हमको जो है बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। और देखिए, राफेल की सबसे अच्छी बात दोस्तों देखिए ये है कि राफेल एक अच्छा प्लेन है, नो डाउट, और वो अच्छा काम भी कर रहा है जैसा कि एयर चीफ मार्शल ने कहा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राफेल 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, और जो F-35 है वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। और कहीं ना कहीं अब भारतीय वायुसेना जो है ऐसा चाह रही है MRFA डील के तहत कि उसको एक ऐसा एयरक्राफ्ट मिले जिसको वो 5th के साथ साथ 6th जनरेशन के साथ भी ज़रूरत पड़ने पे इंटीग्रेट कर सके। और देखिए, सबसे बड़ी खूबी ये है F-35 की कि ये वर्टिकली जो है वो लैंड कर सकता है, साथ ही साथ वर्टिकली जो है टेक ऑफ भी कर सकता है। तो ये कैपेसिटी रेयर ही किसी एयरक्राफ्ट में आज के समय में है, और साथ ही साथ इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है।
और ये प्रूवन एक एयरक्राफ्ट है जो कि अपनी क्षमताओं को साबित कर चुका है। और इसके जो टाइप हैं वो टाइप ए, बी और सी हैं, जिसमें टाइप सी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लीथल माना जाता है। और देखिए सुकोई 75 की बात करें, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसके बजाय हम सुकोई 75 के पास भी जा सकते हैं, तो देखिए वो प्रूवन एयरक्राफ्ट नहीं है, जबकि जो F-35 है उसने अपने आप को पूरी तरीके से जो है वो कॉम्बैट में अपने आप को साबित करके दिखाया है। तो दोस्तों आप लोग को क्या लगता है कि क्या भारत को जो है MRFA डील के तहत F-35 को ख़रीदना चाहिए, या फिर इनको राफेल के साथ ही जो है वो और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए, या अपने जो एक तेजस है इसी प्रोग्राम को और ज़्यादा आगे बढ़ा के करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सब इंक्लूडेड है, उसके बावजूद इसकी ज़्यादा ज़रूरत है भारत को, क्योंकि इसको साफ साफ क्लियर कर दिया एयर चीफ मार्शल ने कि हमें देखिए तेजस के बाद साथ ही साथ जो हमारा MCA प्रोजेक्ट है उसके बाद भी हमको विमानों की ज़रूरत पड़ेगी, और हमारे पास 4 स्क्वाड्रन ऑलरेडी रिटायर हो रहे हैं, तो हमें 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब आप बताइए दोस्तों कि इस पूरे इशू पे भारत सरकार को क्या करना चाहिए आगे चल के, क्योंकि फाइनल डिसीजन जो होगा वो भारत सरकार का होगा। आपकी जो भी राय है दोस्तों कमेंट बॉक्स में शेयर करें, दूसरों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।